दौलत का मयार ये नहीं है कि आपके पास पैसा कितना है, दौलत का मयार ये है कि आपकी वैल्यू और इज्जत कितनी है, क्योंकि हर इंसान के लिए उसका इज्जत और वकार ही उसके लिए असल दौलत होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, और 5वां तरीका जो हम आपको बताएंगे वो यकीनन आपके लिए बहुत ही कारामद साबित होगा। कामयाबी से मंजिल तक में खुश आमदीद, मैं हूँ मोहम्मद इरफान। पॉइंट नंबर 1, किसी महफिल में इतना बोलो कि जितना बोलना आपके लिए जरूरी है। ज्यादा शोखा या मजाया बनने की जरूरत नहीं है, इससे क्या होगा कि लोग आपको जानने के इंतजार में रहेंगे और आपकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। पॉइंट नंबर 2, किसी दूसरे की बात के दरमियान मत बोलो। जब आप किसी के बात के दरमियान बोलते हो तो सुनने वाले आपकी बात पर तवज्जो नहीं देते, इस तरह से आपकी बात की वैल्यू कम हो जाती है, यानी कि आपकी वैल्यू कम हो जाती है। पॉइंट नंबर 3, एक आम सी मिसाल है कि जब किसी चीज़ की दस्तियाबी कम हो जाती है तो उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए लोगों से मिलो लेकिन बवक्त ज़रूरत मिलो तो आपकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। नंबर 4 और बहुत ही अहम पॉइंट, झूठ बोलना बंद कर दो, क्योंकि जब एक आदमी झूठ बोलता है तो उस पर लोगों का एतबार उठ जाता है और इसकी सच्ची बात का भी लोग यकीन नहीं करते, इसीलिए झूठ को हमारे मजहब इस्लाम में तमाम बुराइयों की जड़ करार दिया गया है। नंबर 5 पॉइंट, मैंने आपको बताया था कि ये आपके लिए बहुत ही कारामद साबित होगा, इसीलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इस तरह के आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक कर दे। नंबर 5 पॉइंट, मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि जब आप मस्जिद में बाजमात नमाज शुरू करते हो तो लोगों के दिलों में अल्लाह ताला आपके लिए मोहब्बत पैदा कर देता है और इस तरह से आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा।